हेलो गाइस, वेलकम टू माय चेस एडिक्ट चैनल। तो मैं आज कुछ स्पेशल बताने जा रहा हूँ कि आप अगर चेस सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बेसिक सीखनी पड़ती है। उस बेसिक्स में एक ये भी आता है कि आपको नोटेशन सीखने पड़ते हैं। और नोटेशन तो इजी होता है सीखना, क्योंकि सबको पता है नीचे से ए बी सी डी या ऊपर से ये, लेकिन उनकी प्रैक्टिस करना कि तुमको एकदम वो होना चाहिए कि यहाँ पे है ये वाला, ये स्क्वायर है। मतलब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे एक लैंग्वेज होती है तुम्हारे इनबिल्ट होती है, तो वैसे चेस लैंग्वेज, ये नोटेशन जो होते हैं चेस लैंग्वेज होती है, इनबिल्ट होनी चाहिए। अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं चेस की या कुछ और काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा काम आता है। और जैसे ग्रैंड मास्टर्स का अगर गेम वो अगर एनालिसिस करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चेस नोटेशन का यूज़ करते हैं, जो हमारे कभी कभी तो समझ नहीं आता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं चेस नोटेशन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कहाँ से कर सकते हैं? तो यूजुअली जो हम दो साइट यूज़ करते हैं, chess.com और LiChess, तो मैं इन्हीं दो के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि इन्हीं दो से आप इस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कोई एक्सटर्नल ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। वैसे यूजुअली एंड्रॉयड में या कोई सी और, आईफोन का नहीं पता मुझे, लेकिन एंड्रॉयड में आपको ऐसे ऐप मिल जाएंगे प्ले स्टोर पर जहाँ से आप नोटेशन की या कोऑर्डिनेशन की आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जो हम दो साइट है जो हम यूज करते हैं chess.com और LiChess में, उसके ऊपर आपको बताता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं LiChess की। LiChess पे अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको कोऑर्डिनेशन की आप ट्रेनिंग कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए आपको सबसे पहले लर्न में जाना पड़ेगा। लर्न से आपको कोऑर्डिनेशन दिखाई देगा, कोऑर्डिनेशन वाला जो है इस पर क्लिक कीजिएगा। मोबाइल में भी आप ये कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन में सब में फीचर रहता है। तो यहाँ से कोऑर्डिनेशन को आपको ऐसा विंडो मिलेगा। तो इस विंडो में सबसे पहले तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैक, और ये ब्लैक और व्हाइट दोनों है, और व्हाइट है। आपको किसकी ट्रेनिंग करनी है? ब्लैक की तरफ से ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि बोर्ड का जो एक अरेंजमेंट होता है उसके हिसाब से आपको कोऑर्डिनेट करना सबसे इजी होता है। क्योंकि व्हाइट की तरफ से आप आसानी से कोऑर्डिनेट कर लेते हो कि ये ए बी सी डी, ये B2 B3। लेकिन जब ब्लैक की तरफ से होता है तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। यहाँ से ए बी सी डी तो यहीं से रहेगा, लेकिन अब जो A1 2 3, अब 1 यहाँ नीचे से स्टार्ट नहीं होगा तो 1 ऊपर से स्टार्ट होगा। तो इसी नोटेशन की आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? सबसे पहले अगर व्हाइट के, मैं व्हाइट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट ट्रेनिंग पे जाता हूँ, तो देखिए E3 आया। तो E3 के लिए E3 यहाँ से, और आपको शायद टाइम मिलता है, ये देखिए आपका टाइम भी जा रहा है। यहाँ से F4 E5 E5, अगर आप गलत करते हो तो आपको दिखाएगा, और आप कितने सही कर रहे हो उस टाइम पे आपको ये भी दिखाएगा इसमें। इसके लिए D6 C2 B1 D2, सॉरी इट्स D2 E6 B2 C3 F6 A7 G3। और देखिए टाइम खत्म हो चुका है, तो मैंने इस टाइम के अंतर्गत 12 कोऑर्डिनेट्स जो अपने नोटेशन सही किए हैं व्हाइट की ओर से। उसी तरीके से आप ब्लैक की ओर से भी खेल सकते हो, या ब्लैक व्हाइट और ब्लैक दोनों की तरफ से रेंडमली आपको मिलेगा, तो उसमें भी आप इसकी ट्रेनिंग कर सकते हो इसमें। और आप इसमें ट्रेनिंग कीजिएगा और मेरे को बताएगा कि आपका हाईएस्ट नोटेशन वाला कितना। अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उस नोटेशन की। व्हाइट की ओर से ज्यादा इजी होता है, ब्लैक की ओर से थोड़ा टफ होता है नोटेशन की प्रैक्टिस करना। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको धीरे धीरे करके LiChess पर आदत लग जाएगी। तो LiChess पर आप ऐसे कर सकते हो। तो आप दूसरे ऐप पे जाते हैं, chess.com पे, चलिए वहां चलते हैं। तो अभी हम chess.com पे हैं। तो chess.com पे भी आपको LiChess से अच्छा फीचर मिलता है chess.com पे। तो इसमें एक और फीचर होता है कि आप मूव्स की ट्रेनिंग कर सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा। तो इसमें आपको सबसे पहले जाना होगा लर्न में। लर्न में आपको विजन नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उसमें जाना पड़ेगा। तो इस विजन में जाके देखिए, तो आपको यहाँ इधर राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में आपको एक ट्रेनिंग मोड मिलेगा, कलर मिलेगा, शो कोऑर्डिनेशन मिलेगा। तो इसमें LiChess से ज्यादा फीचर है अभी फिलहाल। तो ट्रेनिंग मोड में देखते हैं कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन सेम है जैसे LiChess में मैंने आपको बताया था। तो इसमें लेकिन पीसेस नहीं दिखाई देंगे, LiChess में यहाँ पे पीसेस भी रखे हुए थे नीचे से। और इसमें आपको खाली बोर्ड होगा, उसके आधार पे आपको करना पड़ेगा। आप व्हाइट की ओर से खेलना चाहते हो, ब्लैक की ओर से खेलना चाहते हो, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। और कोऑर्डिनेशन में इसमें जो अलग फीचर है वो है मूव्स का।
उसके बाद आप जो ये सो कोऑर्डिनेशन है, देखो मैं इसको हटाता तो आपको कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाई देगा, तो अगर आप कोऑर्डिनेशन की हेल्प से ये करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप इसको ऑफ ही रखिएगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपका माइंड उसके हिसाब से डेवलप हो जाएगा। अगर आप कोऑर्डिनेट ऑन रखोगे तो आप हमेशा नीचे देखते जाओगे कि ये ए है, ये बी है, फिर ये बी टू हो जाएगा, तो आप इसके हिसाब से खेलोगे तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। तो सो कोऑर्डिनेशन ऑफ रखिए, फिर देखिए मैं आपको आपके खेल के मूव के हिसाब से खेल के दिखाता हूँ। अभी मैं मूव्स पे गया हूँ, कोऑर्डिनेशन पे तो आप लाइचेस पे मैंने दिखाई दिया था, तो ये देखिए यहाँ पे दिखाएगा बिशप डी सेवन, तो बिशप डी सेवन जाना है तो देखिए बिशप डी सेवन सही है मेरा। नाइट बी वन जाना है, नाइट बी वन सही है। अब मैं एक गलत करके देखता हूँ, जैसे उसने डी एट बोला तो मैं इधर जाता हूँ, तो ये गलत है, तो यहाँ पे आपको गलत भी दिखा देगा, ये आपने एक गलत किया है, तीन में से एक आपका गलत हो चुका है। तो अब देखते हैं बिशप डी सेवन बोल रहा है, फिर से बिशप बी सिक्स बोल रहा है, किंग एच टू बोल रहा है, तो ऐसा करके आपको इसमें 25 सेकंड का टाइम मिलता है। 25 सेकंड में आप कितने सही करते हो, कितने गलत करते हो, chess.com में सब दिखाता है आपको। और ये फ्री ट्रेनिंग है, ऐसे नहीं कि आपको chess.com कोई आपसे कोई चार्ज ले रहा है इस चीज के लिए, तो आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो आसानी से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर और इसके अलावा मेरे हिसाब से आप chess.com पे ही कीजिएगा, क्योंकि लाइचेस में इससे अच्छे फीचर chess.com में है, तो काफी अच्छा है। कोऑर्डिनेशन एंड मूव इस पर रेंडमली भी आएगा, देखिए कोऑर्डिनेशन और मूव रेंडमली आएगा का मतलब है कि आपको मूव्स भी मिल सकता है और कोऑर्डिनेशन भी मिलेगा एक ही उसमें। ए टू बोला है अभी, तो देखिए मैं ए टू चलूंगा, सी वन चलूंगा। अब देखिए अब इसमें मूव्स वाला आ गया, मूव्स इसमें बोला क्वीन ए एट, क्वीन ए एट में मैं जाऊंगा, देखिए रुक एस टू में मैं जाऊंगा, नाइट बी फाइव में मैं जाऊंगा, नाइट बी फाइव ओके, किंग बी फाइव, बी फाइव भी है ओके, बी फाइव है, बी थ्री है, एफ टू है, रिंग रुक जी वन है, ई एट है, ई एट ओके। तो ऐसे करके आप इसमें देखे मैंने 10 के 10 सही कर दिया है, तो 25 सेकंड में आप अपने टारगेट बना सकते हो कि आपने 25 सेकंड में पहले 5 सही करोगे आप एक दिन में, फिर दूसरे दिन में शायद आप 10 सही कर लो, 25 सही कर लो, तो आपको एक ऐसा टाइम आएगा कि आपका बिल्कुल हाथ बिल्कुल वहीं जाएगा, जैसे आप टाइपिंग करते हो धीरे धीरे करके सीखते हो, वैसे ही वैसा है कि आप चेस नोटेशन यानी चेस लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकते हो chess.com या लाइचेस की सहायता से। तो यही था कि chess.com अच्छा है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो आपके दोस्त चेस खेलते हैं या सीख रहे हैं अभी शुरू में, तो उनको अगर नोटेशन की प्रैक्टिस करनी है तो उनको शेयर कीजिएगा। बाकी धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।